हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे हमारा प्योर मिल्क कॉस्ट 16 पर लीटर, आफ्टर एडिंग वाटर द मिल्क मैन सेल द मिक्सचर 15 पर लीटर एंड देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% इन वाटर रिस्पेक्टिव रेशियो डज ही मिक्स मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पे मैं पता करना कि उसने मिल्क और वाटर को किस रेशो में मिक्स किया कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 25% प्रॉफिट हुआ, जबकि उसने बेचा कितने में, 15 रुपये में। 16 रुपये में पड़ रहा है उसको पर लीटर प्योर मिल्क, लेकिन मिक्स करने के बाद वो 15 रुपये में बेच रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, कम भी कर रहा है पैसे, प्रॉफिट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पानी ऐड कर रहा है उसमें। तो किस रेशो में ऐड कर रहा है वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 लीटर मिल्क CP, 1 लीटर जो मिल्क है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, प्योर मिल्क की बात चल रही है यहाँ पर, उसका है 16 रुपये। ठीक है दोस्तों, 16 रुपये है। मान लीजिए वो 1 ही लीटर बेच रहा है, तो 1 ही लीटर मान के चलते हैं यहाँ पे। 1 लीटर का 16 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 ही लीटर वो आगे बेच रहा है। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसको जो प्रॉफिट हुआ कितना, 25% का प्रॉफिट हुआ। 16 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, तो 16 का 25% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 16 × 125/100 = 20। कहने का मतलब जो 16 रुपये का दूध है वो 20 रुपये में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अभी नेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 20 रुपये का जो 20 रुपये में वो बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 16 लीटर। जो 16 लीटर नहीं दोस्तों, जो 16 रुपये वाला है, 16 रुपये का दूध, मतलब जो 20 रुपये में वो बेच रहा है, वो 16 रुपये वाला प्योर मिल्क बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये समझिए थोड़ा, 20 रुपये में वो 16 रुपये वाला प्योर मिल्क बेच रहा है, मतलब 16 रुपये का, मतलब 1 लीटर बेच रहा है, कहने का मतलब। तो एक रुपये का वो कितना होगा, 16/20 हो जाएगा, 1 रुपये का 16/20 हो जाएगा, और वो कितने का बेच रहा है, 15 का बेच रहा है। तो 15 का क्या, 15 का जो बेच रहा है इसमें कितना मिल्क होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 15 का लिख लेते हैं हम 16/20 × 15, तो ये आ जाता है 12। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो 12 रुपये का ही दूध बेच रहा है 15 रुपये में से। जो 15 रुपये का वो बेच रहा है, आप इस चीज़ को समझिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर वो 20 रुपये का बेच रहा है तो उसमें 16 रुपये का दूध है, मतलब 1 लीटर दूध है। ठीक है दोस्तों, अभी वो फिर हमने 1 रुपये का निकाले, फिर हमने निकाला 15 का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया वो को 15 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो 15 रुपये के हिसाब से जो बेच रहा है उसमें वो 12 रुपये का ही दूध बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ आ गई आपको, क्या मतलब 12 रुपये का दूध वो बेच रहा है, 16 रुपये का दूध 1 लीटर है उसका, तो 12 रुपये का कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे, 16 रुपये का दूध उसका 1 लीटर है, 1 रुपये का 1000/16 हो जाएगा, और 12 रुपये का 1000/16 × 12, 750 ml। तो यहाँ पे हमने ये निकाले वो कितने रुपये का दूध है इसमें वो, और 12 रुपये का दूध है, तो 12 रुपये का दूध कितना हो गया, 16 रुपये का जो दूध है वो 1 लीटर है, 1000 ml है, तो 12 रुपये का कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो 15 रुपये का ही बेच रहा है, 15 रुपये का बेच रहा है दूध, उसमें 12 रुपये का प्योर मिल्क है, और बाकी जो 3 रुपये बचे उसकी जगह पे वो कितना पानी डाल रहा है, 250 ग्राम, 750 + 250 1000 होता है। तो ये किस रेशो में पानी मिला रहा है, 750 / 250, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 3:1। अगर 3 यूनिट्स पानी इसके दूध के है तो 1 यूनिट यहाँ पे
पानी का मिला रहा है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।